गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हमारी क्लास है डाउट्स। किसके डाउट्स हैं? सीआई के, चक्रवृद्धि ब्याज के, है ना। दूसरा, डाउट्स लेने से पहले मैंने बोला था आपको डाउट्स के लिए क्या करना है। जो मेरा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पर डिस्कशन कॉलम है, डिस्कशन कॉलम में जाके आप बता दें अपने डाउट्स क्या हैं। इसके बारे में बता चुका हूँ पहले, है ना। तो जो भी डिस्कशन कॉलम में डाउट्स आए हैं वो सारे डाउट्स आज मैं सीआई के ले रहा हूँ, क्लियर, ठीक है। डाउट्स ले रहा हूँ, लेकिन डाउट्स के पहले हमारी जो शीट है उसका टाइप 6 के दो क्वेश्चन बचे हैं, वो दो क्वेश्चन पहले करवाता हूँ, फिर डाउट्स पे आ सकता हूँ। हो सकता है आज की इस एक घंटे क्लास में सारे डाउट्स न क्लियर हो पाए, तो एक और क्लास बना के दूंगा मैं डाउट्स के लिए, क्लियर। कल से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, क्लियर। एक और चीज़ मैंने बोला था, पैरेलल एडवांस मैथ्स कल या परसों से एक अलग से, ये तो क्लासेस चल ही रही है, सीआई के बाद ऐसा ही आएगा, साधारण ब्याज आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा कल से हमारा, है ना। आज डाउट्स ले रहा हूँ, क्लियर। कल से हमारा साधारण ब्याज आएगा। यदि आज डाउट्स क्लियर नहीं हुए तो कल की क्लास साधारण ब्याज से स्टार्ट होगी होगी, उसके अलावा एक और क्लास कल आपको मिलेगी डाउट्स की, जो बची हुई होगी वो। समझ आई बात, क्लियर। तो हमारा जो मेन क्लास है ये हम डिस्टर्ब नहीं करने वाले, सीआई के बाद कल से हमारा ऐसा स्टार्ट होगा। आज की क्लास में केवल डाउट्स में कंज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है। समझ आई बात, क्लियर। आगे टॉपिक में टाइम ज़्यादा नहीं लगने वाला, साथ साथ रिवीजन करते हैं ना। दूसरा, एडवांस मैथ्स, तो कल या परसों से आपको नंबर सिस्टम की क्लासेस पैरेलल अलग से मिलना चालू हो जाएगी। समझ में आ रही बात। जैसे 10 बजे आपकी कौन सी क्लास आती है, ये नॉर्मल क्लासेस हमारी सुबह 10 बजे चल रही है ना। तो ये जो नंबर सिस्टम की जो क्लासेस है ये लगभग या तो मैं 12 या 1 बजे का टाइम कर दूंगा दोपहर का, है ना, पैरेलल क्लास। और ये नंबर सिस्टम की क्लासेस कुछ मैं ऐसी बना रहा हूँ कि आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाना है, केवल क्लासेस देखना है, उतने में चीज़ें कवर अप होंगी, क्योंकि मेरे को पता है आपके ऊपर बर्डन है भी इस क्लास का। तो मैं चाहता हूँ आपका फोकस इसी क्लास पर रहे, साथ साथ धीमे धीमे एडवांस मैथ्स ले रहा हूँ मैं। समझ आ रही है बात, क्लियर। तो कल या परसों से आपको इस एक क्लास के साथ साथ दूसरी पैरेलल क्लास मिलेगी नंबर सिस्टम की, क्लियर। नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं उसके, क्लियर, एग्जाम्स में भी आ रहे हैं, इसलिए कल या परसों से नंबर सिस्टम स्टार्ट होगा। लेकिन नंबर सिस्टम की क्लास पूरे सप्ताह में 2 या 3, 6 के 6 दिन नंबर सिस्टम की क्लास नहीं मिलेगी। अभी स्टार्टिंग के 2 सप्ताह है ना, पूरे सप्ताह में 2 या 3 क्लास आपको नंबर सिस्टम की मिलेगी। समझ आ रही बात, 4 भी हो सकती, लेकिन मिनिमम 2 या 3 क्लास मिलेगी, ज़्यादा नहीं, क्लियर। बर्डन बढ़ेगा इससे। फिर 2 वीक बाद फिर मैं धीमे धीमे देखूंगा क्या फीडबैक आता है आप लोगों का, कैसे आपकी क्लासेस चल रही है। यदि प्रॉपर चली तो फिर रेगुलर एडवांस मैथ्स भी देना चालू कर दूंगा मैं, क्लियर, ठीक है। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले टाइप 6 के 2 क्वेश्चन बचे थे हमारे शीट के, है ना। तो शीट का टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 1 पे आ रहा हूँ मैं सबसे पहले, क्लियर। तो आ जाते हैं शीट के टाइप 6 के क्वेश्चन नंबर 1। तो शीट का टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 1 है ना, टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ता हूँ मैं। क्या है क्वेश्चन, ऐसा है कि राज ने, है ना, राज ही लिखा है ना, क्या लिखा है, दिख रहा है, विजिबल हो रहा है प्रॉपर, ठीक है ना। क्या लिखा है इसमें, इसमें ऐसा लिखा है कि राज ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5,000 रुपये का ऋण लिया और उस धनराशि को 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर अन्य व्यक्ति को दे दिया। ओके, ठीक है, 2 सेकंड रुकना ज़रा, 1 मिनट, है ना, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लूँ मैं इसकी, यस, हाँ, अब ठीक है। चलिए, क्या है कहानी, क्या सवाल है, हाँ, राज ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5,000 रुपये का ऋण लिया और उस धनराशि को 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर अन्य व्यक्ति को दे दिया। राज बहुत तेज है, बहुत स्मार्ट आदमी है, राज गेम खेल रहा है बीच में बैठा बैठा, इधर से कम परसेंट पे ले रहा है, इधर ज़्यादा परसेंट पे दे रहा है, बीच में कुछ परसेंट खुद ही खा रहा है, कमा रहा है। समझ आ रही बात, देखो, राज ने इधर से 10% पे लिया, राज ने इधर से 10% पे लिया और उधर 15% पर दिया। समझ आ रही बात, लिया 10% पे, दिया 15% पे, सीधे सीधे समझ में आता, 5% बीच में खा रहा है, ठीक, आगे, है ना। 2 वर्ष के बाद उसे कितना लाभ या हानि होगा, 2 वर्ष मतलब 2 साल के लिए 10-10% पे लिया हुआ है
और दो ही साल के लिए 15-15% पे दिया हुआ है। हमारे दिमाग में क्या आता है सीधे कि 10-10% दो बार करके लिया, 15-15% दो बार करके लिया, यानी कि हर साल 5%, तो दो साल में 5-5-10% कमा रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं राज हूँ, मेरा नाम राज है ना, ये मैं राज हूँ। मैंने इधर से लिया कैसे 10-10% दो साल साधारण ब्याज पर लिया, और इधर दिया कैसे 15-15% दो बार चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया। समझ में आई? अब इधर से जो ब्याज आएगा उसमें से मेरे को इधर चुकाना है जिससे लिया था। मेरे पास इधर से ब्याज आएगा और इधर मेरे को देना है। समझ आई बात? तो देखता हूँ आएगा कितना और उसमें से देना कितना है। तो आएगा, इधर से आएगा और इधर जिससे उधार लिया था उसके पास जाएगा भी। तो देख लेते हैं आएगा कितना और देना कितना है, इधर वाले को लौटाना कितना है ना। तो 15-15 का रिजल्टेंट आप जानते हैं 32.25% आएगा क्या? रिजल्टेंट बताइए, 15% का रिजल्टेंट 32.25 आएगा। मैंने बताया था डबल और स्क्वायर वाला मेथड, 2R.R² याद है? दो साल का रिजल्टेंट ओवरऑल 15 × 2 = 30 और 15 का स्क्वायर 225, 225 का केवल 25 आएगा, 2 कैरी हो जाएगा। बताओ 32 + 2 = 32.25 आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि इधर चक्रवृद्धि देखो कितना तेज आदमी, मतलब लिया साधारण पे, दिया चक्रवृद्धि पे और रेट भी ज़्यादा करके दिया। तो 15-15 32.25% आएगा और देना कितना इधर 10-10 = 20। अरे साधारण ब्याज है ये वाला फॉर्मूला यहाँ मत लगा देना, साधारण ब्याज में 10-10 सीधा 20 ही बनेगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज होता तो 10-10 का रिजल्टेंट फिर 21 बनता, लेकिन साधारण ब्याज 10-10 = 20 बनेगा, चक्रवृद्धि ब्याज 15-15 का 32.25% बनेगा। इतना आएगा, इतना जाएगा, इतना देना है। तो बताओ मेरी कमाई कितनी बचेगी? 12.25% मेरी कमाई बचेगी क्या? 32.25 में से 20 गया तो मेरा मार्जिन 12.25% है कि नहीं है? ये 12.25% मेरा मार्जिन, मेरी कमाई किसके बराबर दी है? अच्छा ओके, ऋण दिया है 5,000 रुपये, यानी कि जो मूल है, जो पैसा है जिसके ऊपर सारा गेम चल रहा है, वो कितना है 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये पे ओवरऑल मेरी कमाई 12.25% है कि नहीं है? है ना, 5,000 रुपये का हेर फेर हो रहा, 5,000 रुपये लिया, 5,000 रुपये दिया, तो 5,000 रुपये के ऊपर कुल कमाई मेरी 12.25% है कि नहीं है? तो 5,000 रुपये निकाल लेता हूँ मैं मेरी कमाई, यही पूछा है ना, उसका लाभ या हानि, कमाई यानी कि मेरा लाभ, कमाई यानी कि मेरा प्रॉफिट। तो आप ही बताइए मेरा प्रॉफिट 5,000 के ऊपर 12.25% है कि नहीं है? बोलो। तो परसेंटेज से 2 जीरो गए, है ना। अब इसको यदि सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 612.5 आएगा ये प्रॉफिट यानी कि गेन। तो बताइए 612.50 रुपये का गेन होगा कि नहीं होगा, है ना। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 5,000 पे इधर से मेरे पास दो साल का चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 15-15, और 5,000 पे मेरे को इधर 10-10 कितना देना है 20%, ऐसे भी कर सकते थे। अच्छा ये देख लिया क्या आपने? एक बार वैसे भी बता दूं क्या, है ना, इसको कॉपी कर लो रोक के, ठीक है, वैसे बता देता हूँ एक बार आपको। अच्छा इसको मिटा दूं क्या, है ना, रोक के कॉपी कर लो, ठीक है, वैसे बता देता हूँ एक बार आपको। रुपए रुपए में कोई रिजल्टेंट नहीं है ना, रुपए रुपए में निकाल लेते हैं, ठीक है, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, सीखना है, एक एक डाउट्स में क्लियर करवाऊंगा, शांति रखना है ना, सिलेबस बिल्कुल डिले नहीं होगा, अपने दिमाग से निकाल दो, मैं जो बोल रहा हूँ साथ साथ करते चलो शांति से। रुको चलो, तो भैया 5,000 पे दो साल का चक्रवृद्धि ब्याज 15% से, है ना, तो दो साल का चक्रवृद्धि ब्याज का स्ट्रक्चर आपको पता है ऐसा होता है ना, इतना पैसा आएगा और 5,000 का 10-10% दो साल, इतना मेरे को लौटाना है। तो साधारण ब्याज तो बस यही होता है ना, 5,000 पे दो साल का 10-10% साधारण ब्याज, इतना ब्याज जो बनेगा वो मेरे को लौटाना है और इतना ब्याज मेरे पास आएगा, इधर से आएगा और इधर मेरे को देना है। तो चलो इसका 15% कितना होगा, इसका 10% 500, तो 15% 750 होगा, इसका भी 15% 750। अब 750 का 15% यदि मैं देखूं तो आई थिंक 112.5 आएगा ये, बोलो समझे कि नहीं समझे, कितना आएगा 112.5 आएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें किसी को, बताइए
बताओ 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 बताओ, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्लियर है ना? इतना पैसा आएगा मेरे पास, ठीक है, और जाएगा कितना? इसका 10% 500 500 हज़ार रुपया जाएगा, मतलब इतना आएगा, देखो जरा कितना, 1500 1600 1600 12.5 इतना ब्याज मेरे पास दूसरी पार्टी से आएगा जिसको मैंने दिया, और मेरे को पीछे देना कितना जिससे उधार लिया था, मैं राज हूँ, आई एम राज, 1000 रुपया देना है कि नहीं देना है? अब आप बताओ ज़रा, इसमें से यदि 1000 गया तो मेरा लाभ 612.50 रुपये बचा कि नहीं बचा? इसको 50 पैसा कहते हैं, जीरो लगा लो फ्री में, है ना? तो बताइए मेरा प्रॉफिट 612.50 रुपये है कि नहीं? चक्रवृद्धि ब्याज है ये, 1 2 3 याद होगा, 2 ईयर का स्ट्रक्चर चक्रवृद्धि ब्याज का, और ये साधारण ब्याज तो बस साधारण होता हर साल एक जैसा, 500 500 1000, तीसरा सर्कल नहीं बनेगा इसमें, बस ये साधारण ब्याज है ना? तो इतना आएगा और इतना देना है, मेरा कमाई मेरा लाभ 612.5। बोलो क्लियर है क्या? समझ गए होंगे? दूसरे सवाल पे आता हूँ, टाइप 6 के दूसरे सवाल पे, थोड़ा टाइम लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में ना आए उस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हम, ठीक है? एक बार पढ़ो, एक ही बार में एग्जाम निकलना चाहिए, बार बार नहीं पढ़ना है ना? चलो टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2 पर आते हैं, ठीक है? आज शिद्दत से करो तुम कोशिश चिराग बनने की, कौन जाने तुम्ही से रोशन सारा जहां होगा, कौन जाने तुम्ही से रोशन किसने देखा कल, शायद आप ही सारी दुनिया को रोशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2 है ना? चलिए आते हैं सवाल नंबर 2 पर, ठीक है? यदि मैं बात करूं सवाल नंबर 2 की, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में यदि मैं बात करूं तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, एक मिनट, दो सेकंड रुकिए जरा, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ रहा हूं मैं, है ना? एक सेकंड रुकिए जरा, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ रहा हूं मैं, दो सेकंड रुकिए, कहां गया क्वेश्चन, कहां गया? अच्छा, आंसर आ गया होगा कई लोगों का, है ना? आंसर आ गया होगा क्या कई लोगों का? क्या आंसर है अगले का? इजी क्वेश्चन है वैसे, है ना? अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, ठीक है, यदि हम देखें तो क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं एक बार, है ना? क्या है हमारा सवाल? हाँ, मैंने अपने मित्र से 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये का ऋण लिया, यदि मैंने यह धनराशि समान अवधि के लिए समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर ली होती कितना अतिरिक्त देना पड़ता? कुछ नहीं है इसमें, तो देखिए क्या है कहानी, कहानी ऐसी है कि मैंने अपने मित्र से 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये, है ना, मैंने अपने मित्र से 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये का ऋण लिया, है ना? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए, 10,000 रुपये का ऋण लिया अपने दोस्त से, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए, ठीक है, 10,000 रुपये का ऋण लिया, ठीक है, 10,000 रुपये का ऋण लिया अपने दोस्त से, ठीक है ना? 6% साधारण ब्याज 2 साल, ध्यान देना, 6% सिंपल इंटरेस्ट 2 साल। अब मैं बोल रहा हूँ यदि यही पैसा मैंने इसी दर से इतने ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया होता कितना अतिरिक्त देना पड़ता, कितना अतिरिक्त देना पड़ता, ये मेरा सवाल है ना? अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए, 6% वार्षिक दर से 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर मैंने उधार लिया और वही 10,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज से 6% वार्षिक दर से 2 साल के लिए लिया, क्लियर? सवाल बोल रहा है कि इसकी तुलना में यहाँ पे कितना अतिरिक्त ब्याज देना पड़ेगा, सीधी सी बात है एक्स्ट्रा तो होगा ही होगा क्योंकि साधारण ब्याज है और ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो साधारण ब्याज की तुलना में चक्रवृद्धि ब्याज अतिरिक्त तो आएगा ना, सीधी सी बात है। तब देखिए साधारण ब्याज की यदि मैं बात करूं, ठीक है, यदि मैं बात करूं साधारण ब्याज की, ठीक है, तो यहाँ जो भी साधारण ब्याज बनेगा, यहाँ भी जो भी चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा, सवाल ने पूछा कि यहाँ की तुलना में यहाँ कितना एक्स्ट्रा पैसा बनेगा, यानी कि कहने का मतलब वो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर ही हमसे मांग रहा कि नहीं मांग रहा, बताओ डिफरेंस हमसे मांग रहा कि नहीं मांग रहा वो, क्लियर? कि यदि साधारण ब्याज से 6% पे 2 साल के लिए 10,000 रुपये दे दिया, अब मैं लालची हो गया, मैं लालची कैसे हो गया, मैं लालची यूँ हो गया कि भैया यदि यही पैसा मैंने चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया होता तो मेरे को ज़्यादा पैसा मिलता कि नहीं मिलता, कितना एक्स्ट्रा मिलता,
तो उसी पैसे को यदि चक्रवृद्धि ब्याज पे इस प्रकार दिया होता कितना एक्स्ट्रा मिलता, तो साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज कितना एक्स्ट्रा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। तो ये सवाल कैसा हो गया पता है आपको? समय 2 साल, रेट 6%, प्रिंसिपल दिया है आपको 10,000 रुपये और आपको निकालना है डिफरेंस। ये सबसे पहले सवाल थे हमारे चक्रवृद्धि ब्याज के टॉपिक के, पहली क्लास के। याद आ रही है कि आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज के टॉपिक के पहली क्लास के सवाल थे ये डी और पी वाले, याद है आपको? वही सवाल है ये। डिफरेंस ही तो निकालना है, मूलधन दिया है 10,000, डिफरेंस निकालना, सीआईएसआई का अंतर है ना। अब देखिए 6% 3/50 होता है क्या? डी और पी कैसे बनता है मैं नॉर्मल मेथड से बता दूंगा। ऊपर वाले के स्क्वायर से डी बनेगा और नीचे वाले के स्क्वायर से क्या बनेगा? पी। 50 का स्क्वायर यानी कि 2500 यूनिट, ये पी बनेगा और डी क्या बनेगा? 9 यूनिट। बोलिए समझे कि नहीं समझे, क्लियर है क्या इतनी बात है ना? अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। अब 2500 यूनिट मूलधन किसके बराबर है? 10,000 रुपये। क्लियर, 2500 यूनिट बराबर 10,000 रुपये, तो 9 यूनिट बराबर कितना है ना? तो अब देखो इसका 4 गुना है कि नहीं है, 2500 का 10,000, 4 गुना, तो 9 का 4 गुना, बताइए 36 रुपये उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा 36 रुपये? तो आंसर इसका 36 रुपये आएगा कि नहीं आएगा बताइए, कौन सा ऑप्शन है? सी वाला है ना। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, बहुत टाइम लिया, मेरे को लेना नहीं था, लेकिन क्या है व्यापम की क्लास है ना, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले लेता हूँ। चलो इधर देखो, अब इसको नॉर्मली करना है तो ऐसा है, देखो भैया 10,000 रुपये ट्री बना लो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 6% रेट है ना, ये पहला साल और ये दूसरा साल, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, ठीक है ना, ये पहला साल और ये दूसरा साल, 1, 2 और 3, क्लियर। 10,000 का 6% 600, 10,000 का 6% 600, 600 का 6% कितना आएगा? 36। भैया ये साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, दोनों का अंतर 36 रुपये, आंसर आएगा कि नहीं आएगा बताओ? अरे 10,000 के ऊपर साधारण ब्याज ये देखो 1200 और उसे 10,000 के ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज ये देखो, ये साधारण ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों का अंतर 36 रुपये, उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर। चलो अब मैं आता हूँ डाउट्स पर, है ना, आपके डाउट्स जो थे, ठीक है, एक एक करके लाता हूँ आपके डाउट्स, क्लियर, ठीक है। मिटा दूँ क्या इसको, है ना, रोक के आराम से कॉपी कर लें आप, मैं आता हूँ डाउट्स पे आपके, है ना। तो आपके डाउट्स की बात कर लेते हैं, चलिए देखिए क्या है कहानी, इसको मिटा देता हूँ, है ना। दो सेकंड है ना, क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं, डाउट्स वाले आपने जो भेजे हैं, ठीक है ना। हाँ रुकिए एक सेकंड, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। हाँ देखिए अब कहानी क्या है, सुनिए। आ जाता हूँ सवाल पर, दो सेकंड रुकिए जरा। हाँ है ना, जिसने सबसे पहले डाउट भेजा था उस पे मैं स्टार्ट करूँगा, है ना, एक एक करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। क्वेश्चन नंबर 28 इन प्रैक्टिस शीट, रुकिए रुकिए रुकिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, है ना। विनय त्यागी ने भेजा है, सर टाइप फर्स्ट
का क्वेश्चन नंबर 35, भैया टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 35 है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 35, ये तो करवाया था यार मैंने, ये क्यों पूछ रहे हो आप लोग यार, करवाया था क्वेश्चन मैंने। टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 35 होना ही नहीं चाहिए, कन्फ्यूज़न गलत बात है, ये बताना ही नहीं चाहिए मैं कोई क्वेश्चन एक्चुअली, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ ठीक है, इतनी तो बुद्धि हमारी चलनी चाहिए। क्या पूछा है इसमें देखो मैं बताता हूँ, 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किए गए 5,000 रुपये पर, 5,000 रुपया निवेश किया 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष है ना, ठीक है 2 वर्ष के लिए क्लियर, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब इतना कॉमन सेंस हम में होना चाहिए कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये ट्री बनाना आता है आपको, बोला आता कि नहीं आता ट्री बनाना, बहुत अच्छे से उस दिन जब मैंने सवाल करवाया था बताया था, लोग रिपीट करके नहीं देखते हैं, बस एक बार देखा और बस खत्म, थोड़ा संघर्ष करो खुद, सीधे उठा के पूछ लिया सवाल, ये ऐसे लोगों से बहुत नफरत है मेरे को, दूसरों के भरोसे नहीं रहना हमेशा, खुद का दिमाग जब तक नहीं लड़ाओगे ना चीज़ों में, खुद का दिमाग जब तक नहीं फोड़ोगे तो क्या काम का है, दिमाग निकाल के फेंक दो इसको, तो चीज़ों पे पहले खुद संघर्ष करो पूरे जुनून के साथ पूरी जिद के साथ कि मैं संघर्ष करूँगा, जब खुद से संघर्ष करके चीज़ें बनती है ना तब आत्मविश्वास बनता है, दूसरों को देख देख के सब कुछ करना है फिर क्या मतलब है, खुद का क्या है हमारा, खुद का भी तो होना चाहिए कुछ। इधर देखो क्या पूछा उसने, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे साल का ट्री बनाना था, 5,000 का 10% कितना है 500, 5,000 का 10% कितना है 500, इसका 10% कितना है 50, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या मांगा है, दूसरे साल का आपको नहीं पता दूसरा साल कौन सा है, अच्छा चलो मैं सिखाता हूँ आपको, सिखाता हूँ दूसरा साल कौन सा है, जहाँ 2 डंडे होते हैं ना वो दूसरा, और जहाँ 1 डंडा होता है वो पहला, समझ आई बात, ये दूसरे साल का ब्याज है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज ही रहा 550, पहले साल का 500 है और दूसरे साल का 550 है। यदि वो बोले 2 साल तो 2 साल का मतलब फिर ही दोनों मिला के हुआ ना, आपको फर्क नहीं पता चलता 2 साल और दूसरे साल में, 2 साल और दूसरे साल में यदि हम फर्क नहीं कर सकते तो कोई मतलब नहीं हमारा व्यापम करने का, छोड़ दो सब भाग जाओ, छोड़ दो सब छोड़ दो, खेती करो गांव जाके बढ़िया शानदार, हल चलाओ हल, 2 साल और दूसरे साल में फर्क पता होना चाहिए इंसान को, इतना 2 साल यानी कि 2 साल, 1 और 1 दोनों मिला के पूरा, ये 2 साल हो गए, 2 और दूसरा तो दूसरा मतलब ये दूसरा साल है, तो दूसरे साल का ब्याज कितना होगा 550, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, तो दूसरे साल के इससे ज़्यादा नहीं समझा सकते, और इससे ज़्यादा जिसको समझ में नहीं आए इतने में वो छोड़ दो, नहीं लगेगी हमारी नौकरी, छोड़ दो। चलो भाई आगे आता हूँ मैं अगले सवाल पर, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विनय त्यागी का ही डाउट था और एक और किसी ने डाउट बोला है, आगे मैं बताता हूँ। इसके बाद हाँ भाई आगे और आगे, रुको 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 आ रहा हूँ मैं, सत्यम शर्मा क्वेश्चन नंबर 30 में क्या करना है समझ नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया सत्यम शर्मा जी की जय हो, सत्यम शर्मा बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या करना है इनको समझ नहीं आ रहा, टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 30 देखो भैया, टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 30 देखो, सवाल नंबर 30 टाइप फर्स्ट का क्या है, सवाल नंबर 30 टाइप फर्स्ट का मूलधन 6,000 है, ये भैया मूलधन 6,000 है ना, और मूलधन 6,000 के बाद अवधि, अवधि मतलब समय 2 वर्ष, अवधि 2 वर्ष है, और दर 5% है, ठीक है दर 5% है, और चक्रवृद्धि ब्याज, अरे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है भैया, चक्रवृद्धि ब्याज है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो 6,000 रुपये है, 6,000 पे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, मूल दिया है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है आपको, समझ आई बात, 2 साल और रेट है 5%। अब बहुत सारे तरीके, जब मूलधन दिया हो सीधे ही आपको तो कुछ करना ही नहीं है ना यार, 6,000 मूलधन है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, क्या दर है 5%,
वो सारी मेथड बता दूंगा मैं, 1 2 3 खत्म। इसका 10% 600 तो 5% 300, इसका 5% 300, इसका 5% कितना आएगा, इसका 5% कितना आएगा 15, तो यह आएगा 615। कितना आएगा इसका 615, तो चक्रवृद्धि ब्याज 615। दूसरी मेथड लगानी है तो 5% 1/20 होता है, वो मेथड लगानी है पी से ए वाली, तो बताइए 20 से 21 आएगा कि नहीं आएगा। प्रैक्टिस करने से होगा। जब मैंने टाइप 4 टाइप 5 पढ़ाया, मैं सच बता रहा हूँ, टाइप फर्स्ट आप लोग सब भूल गए होंगे। टाइप फर्स्ट पढ़ते पढ़ते जो टाइप फर्स्ट में कॉन्फिडेंस था, वो टाइप 5 पढ़ते पढ़ते नहीं था। टाइप 5 पढ़ते पढ़ते टाइप फर्स्ट वाला कॉन्फिडेंस आप में नहीं था, वो पास्ट हो चुका। तो आपको हर दिन रिवाइज करना है, इसीलिए तो अनलिमिटेड वॉच टाइम दिया मैंने आपको कि आप उसको रिपीट कर करके देख सकें। तो जब आज में आप ये पढ़ रहे हो, क्या टाइप फर्स्ट आपका पूरा आपने कंठस्थ किया हुआ है, घोट दिया उसको? जब तक ये जिद नहीं लाओगे ना घोटने वाली, कुछ नहीं होने वाला, एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। कितना ही पढ़ लो आप, 20 से 21 है ना, 2 साल, तो 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, ये 400 और ये 441, तो बताइए सी आई 41 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो क्लियर है क्या? इतनी बात है ना, तो मूलधन 400, अमाउंट 441, क्लियर? और सीआई कितना आएगा 41, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 400 यूनिट मूलधन, ये यूनिट 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 हमारा माना हुआ, 400 बराबर 6000 रुपये दिया है। रिपीट कर करके देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, रिपीट कर करके देखो, 400 बराबर 6000 है ना, तो देखो इंटू 15 का रिलेशन है कि नहीं है, है ना, इंटू 15 या 400 बराबर 6000, एक का मान निकाल लेना, बार बार नहीं बताऊंगा, 400 बराबर 6000 बार बार नहीं बताऊंगा, लेकिन आदत है ना बताने की, आदत से लाचार हूँ। इधर देखो, एक का मान 600 बाई 400, 0000 कैंसिल, 1 बराबर 15, तो 41 बराबर 41 गुणा 15, 15 एकम 15, 5 गुणा करके नहीं बताऊंगा, 61615 रुपये आएगा। ऐसे कर लो, रिजल्टेंट से करना है, रिजल्टेंट से करना है, रिजल्टेंट से कर लो, 6000, 5% 2 साल, तो 5%, ये जो सवाल पूछते ना ये लोग, ये कैसे लोग है बताऊँ मैं आपको, ये वो लोग हैं जिनने एक बार देख लिया और कोशिश नहीं की कि हम अपने दिमाग से कुछ कर सकते, क्रिएटिविटी नहीं है, बस दूसरों को देख देख के ही पीछे पीछे दौड़ेंगे हमेशा, कभी अपने लिए तालियां नहीं बजवाएंगे, दूसरों के लिए ताली बजाएंगे भीड़ में बैठ के। बुरा लग रहा होगा और लगना चाहिए, आज के विद्यार्थी को बुरा लगने की वजह टीचर पर गुस्सा आता, इसने बोल कैसे दिया, बस यहीं ख़त्म हो गए आप लोग। सिखाने वाला दो मार भी लेना तो उसके हाथ जोड़ लो, भैया सिखा दे, तो मार ले और मार ले, सिखा दे। ज्ञान सबसे बड़ा है, इंसान सिर्फ ज्ञान से ही बड़ा होता है। अमिताभ बच्चन को सुनना एक बार, 6000 का 10.25% है ना, तो 6000 का 10.25% चक्रवृद्धि ब्याज सी आई रिजल्टेंट होता है 10.25, 6000 का 10.25% निकाल लो सीधे, आ जाएगा। परसेंटेज से 20 कैंसिल, 60 का मल्टीप्लाई 10.25 पे करोगे और 615 आ जाएगा आंसर। रिजल्टेंट से भी निकाल सकते हो आप लोग, है ना, समझ में आ रही ना बात, ठीक है। अरे यार नीचे का विजिबल नहीं है ना आप लोगों को इतना, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। रुको रुको रुको, दिख नहीं रहा है आप लोगों को, है रुक जाओ ज़रा एक मिनट, नीचे का विजिबल करवाता हूँ मैं, ऐसे कैसे नहीं दिख रहा है यार, रुको ज़रा, हाँ अभी, चलो ठीक है, अब ज़्यादा नीचे नहीं लिखूँगा, है ना। ये देखो, ये दिखा क्या आपको नीचे, ये देखो क्या लिखा मैंने, दिख रहा है नीचे, दिख रहा है नीचे, दिखा कि नहीं दिखा बताओ, है ना, लेकिन ऊपर से फिर जा रहा है ना वो, रुको एक मिनट सर, दिख गया ना नीचे से, बस मैं नीचे किया था, अभी देख लिया आप लोगों ने, बस अब ज़्यादा नीचे नहीं लिखूँगा मैं, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो समझ में आ गया भैया ये सवाल, सत्यम जी शर्मा, तो मेरी बातों को ध्यान देना अगली बार से, है ना, सवाल खुद से करो, खुद से, खुद का दिमाग जब तक नहीं फोड़ोगे तब तक आत्मविश्वास नहीं आएगा। मैं बताता रहूँगा ऐसा, फिर डाउट आएगा फिर छोड़ोगे, छोड़ना नहीं सवाल को, पूरी मेहनत पूरा जी जान लगा दो, वहाँ करा था यहाँ करा था उससे पूछो, फ़ोन लगा के इससे पूछो, नहीं आए तब जाके यहाँ पूछो, तब होगी पढ़ाई आप लोगों की। हाँ भाई आगे 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 आगे, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं, चिंता मत करो, आज आप जिसने भी पूछा ना ऐसा ऐसा सवाल देख लेना। चलो अगले पेज पे आता हूँ, पेज नंबर 2 पे बड़े बड़े योद्धा मिलेंगे, अभी मिलवाता हूँ आपको सारे योद्धाओं से आज।
ऐसे ऐसे सवाल पूछते ना लोग, मज़ा आ जाता है। हाँ भैया किधर है, आ जाओ आ जाओ। व्यापम की जय हो, जय हो व्यापम की भोलेनाथ। टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 33, प्लीज़ सर स्टार्टिंग क्लास में आप एक्सप्लेन कर दीजिए, नहीं बन रहा है। ये है सोनम जी विश्वकर्मा, ठीक है सोनम जी विश्वकर्मा, देखिए आप लोग, है ना। टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 33, टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 33, हाँ देखिए। टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 33 आ जाते हैं भैया, टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 33 पर। एक धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दो वर्ष और दर 10%। शब्दों पे ध्यान दो, है ना। दो वर्ष ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 315 रुपये, ठीक है। क्या निकालना है, साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को निकालना है। ये करवाया था मैंने 10% 1/10, याद आ रहा है कुछ, मैंने सिखाया था ना, 1 10 10, चक्रवृद्धि ब्याज 21 और साधारण ब्याज 20 यूनिट, याद आ रहा है, 20 यूनिट और चक्रवृद्धि ब्याज 21 यूनिट, क्लियर। हाँ अब ध्यान देना, 21 यूनिट चक्रवृद्धि ब्याज आपको 315 रुपये के बराबर गिवन है क्या, बताओ। 21 बराबर 315, बोलो समझे कि नहीं समझे। अब क्या कनेक्शन है भैया, तो जहाँ तक मेरे को पता है इनटू 15 का कनेक्शन दिख रहा है मेरे को, तो कि 21 का 15 गुना है ये, तो 20 का 15 गुना करेंगे 300 रुपये उत्तर आएगा इसका। 21 का 15 गुना है ये, 21 का 15 गुना कैसे हुआ 15 गुना, यदि 21 यूनिट बराबर 315 तो आप एक का मान निकाल लेना, एक यूनिट बताओ 315/21 आएगा कि नहीं आएगा, आराम से काट लेना 15 आएगा, 7 के टेबल से 3 3 के टेबल से 1 = 15 आ जाएगा, 1 = 15 तो 20 = 20 बार 15, 300 रुपये आंसर आएगा इसका साधारण ब्याज। सिखाया था मैंने आपको बहुत अच्छे से, और ये भी बताया था किसमें क्या क्या मेथड लगानी है, बड़ा रिपीट कर करके बहुत अच्छे से, है ना। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ अगला सवाल भैया, कौन है नया उम्मीदवार, आ जाओ। सोनम जी विश्वकर्मा आपका डाउट क्लियर हो गया, अब और आता हूँ मैं। हाँ भाई मिस्टर अमित कुमार चतुर्वेदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम। सर जी क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार रिजल्टेंट मेथड से बता दीजिए। चलो भैया आ जाइए अमित जी, अमिताभ बच्चन, इधर देखो। ये अमित जी ने देखो बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन पूछा, ऐसे पूछा करो ना सवाल। देखो ऐसा मत सोचना आपके आपके मैं यहाँ आपके मजे ले रहा हूँ तो आप अगली बार से सवाल पूछने में संकोच करो, नहीं बिल्कुल नहीं, शर्म रखोगे तो पीछे रह जाओगे। बोलना तो सर बोले तो हम तो पूछेंगे, 2 + 3 कितना होता सर बताओ, हम तो ये भी पूछेंगे। अपनी जिद रखो, हमारा काम है बताना, हम बताएंगे, थोड़ा बहुत चिल्लाएंगे लेकिन बताएंगे तो सही ना, सीधे सी बात है, और चिल्लाना भी ज़रूरी है। नहीं तो आप लोग तो कल से पूछो सर 3 - 2 कितना होता है, एक्सप्लेन कर दो चित्र बना के, फिर मैं क्या करूँगा। चलो हाँ अमित कुमार चतुर्वेदी ने क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है। ये क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ का है, ये वो 6 माही 3 माही वाला जो टाइप था ना पूरा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का, वो वाला है ये। अमित जी चतुर्वेदी का क्वेश्चन नंबर 11 है ना, वो कौन सा टाइप था यार, एक मिनट रुको मैं बता देता हूँ ताकि सब लोगों को ध्यान में आ जाए, है ना। हाँ भाई टाइप थ्री का क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 टाइप थ्री है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 टाइप थ्री का, 32,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का 6 माही। ये 6 माही 3 माही पे बहुत अच्छे से हाथ सेट करवाया मैंने आप लोगों का, बिठा बिठा कर अच्छे से। 32,000 रुपये क्या है, मूलधन है, प्रिंसिपल है। 32,000 रुपये पर टाइम 1.5 साल है, समय 1.5 साल, 1.5 ईयर
रेट क्या है भैया? रेट है आपका 10%, ठीक है, रेट है 10%। और आगे बात करें, छमाही, 6 मंथली। अच्छा, निकालना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज, क्या ब्याज होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट, 32,000 पे डेढ़ साल, 32,000 पे डेढ़ साल यानी कि 18 माह। लेकिन ये 18 माह की गाड़ी कैसे चलानी है? छमाही 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 कितने मजे आते हैं, छमाही 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 छमाही, 6 माह 6 माह और 6 माह, क्लियर? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है। 10% वार्षिक, वार्षिक बारह, वार्षिक यानी कि 12 महीने का 10 है, डूब जाओ पागल हो जाओ, 12 महीने का 10% है तो 6 महीने का बताओ 5% होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं। अब मैंने बताया 3 साइकिल में 3 है। अमित जी आपने पूछा है रिजल्टेंट से, मैं पहले इनको वही कहानी सुना दूँ जो पहले सुनाई थी मैंने, फिर मैं रिजल्टेंट पे आता हूँ ना, ताकि थोड़ा सा रिविजन हो जाए सबका। 3 साइकिल में 3 है प्लस 3 बी प्लस सी लगाते, ए बी सी का मान कैसे निकालते, इसमें से 5% निकालते जाएं, ए का वैल्यू आएगा फिर उसका 5% निकालेंगे, बी का वैल्यू आएगा फिर उसका 5% निकालेंगे तो सी का वैल्यू आएगा, समझे कि नहीं समझे? तो इसका 10% 3200 है तो 5% 1600 आएगा कि नहीं आएगा, इसका 10% 160 है तो 5% 80, इसका 10% 8 है 5% 4 4800 है ना, 1600 तीन बार, 4800 प्लस 80 तीन बार 240 प्लस 4 है ना, तो कितना आएगा ये? आई थिंक इट इज 5044, एम आई राइट? यस, एब्सोल्युटली राइट आई एम। नाउ आई विल गो थ्रू बाई रिजल्टेंट एज आस्क्ड बाय अमित कुमार चतुर्वेदी। सो अमित जी देखिए आप, अमित जी चिंता ना करें, अरे अमित जी का स्वास्थ्य कैसा है यार, उनको कोरोना हो गया था ना। चलो भैया सुबह मिलने जाऊंगा, इधर देखो आप लोग है ना, अभी पढ़ लेते हैं सुबह मिलेंगे उनसे। चलो इधर देखो जरा है ना, 5% 5% 5% है ना अमित जी, 5% 5% 3 साइकिल का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बताया था अमित जी, बोलिए स्वास्थ्य ठीक है आपका? 3R 3R² और R³, ये फॉर्मूला था 3 बार के रिजल्टेंट का, बोलो याद है कि नहीं याद है, है ना? तो रेट 5 है तो 5 * 3 = 15, 5³ = 125 आएगा, 125 का 25, याद करो हमारा गौरवशाली वैभवशाली महान इतिहास, 125 का 25, 1 यहाँ कैरी हो जाएगा क्या, है ना? 5 * 5² = 25 = 75 और 1 = 76, तो 15.7625% आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा ये? 15.7625%। हाँ तो अमित जी देखा आपने रिजल्टेंट, तो ओवरऑल 32,000 पे कितना चक्रवृद्धि ब्याज देंगे आप? 15.7625%। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना पूरा, तो 5044 रुपये आ जाएगा आंसर आपका। अमित जी समझ गए क्या? बहुत बहुत बधाई अमित जी, समझ गए होंगे आप, आपको देख के मेरे को लग रहा है अमित जी बड़े स्मार्ट आदमी हो, आप समझ गए होंगे, मेरे को सब पता है। चलिए देखिए, हाँ तो अमित जी के अभी और भी सवाल है आगे, अमित जी और भी देखने में आए हैं थोड़े, अमित जी के अलावा और कौन है भैया आगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ भैया, मिस्टर रामेश्वर साहू, बड़ा शानदार सवाल पूछा है, वेरी मच प्राउड ऑफ रामेश्वर साहू, बहुत शानदार बहुत ऐतिहासिक सवाल पूछा है इन्होंने। देखिए इन्होंने सवाल क्या पूछा है, मैं आपके सामने रखता हूँ आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार सवाल 50 लाख रुपए के लिए है, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, लाइफ लाइन सारी समाप्त हो चुकी है आप लोगों की, है ना? ठीक है, और समय सीमा की भी कोई अब लिमिट नहीं है, बहुत समय है आपके पास, आराम से विचार करके चिंतन करके कृपया उत्तर दें, है ना? लाइफ लाइन सारी समाप्त हो चुकी है, वो रिस्क न लेना चाहे तो बीच में ही क्विट कर दें, ठीक है? चलो भाई, तो रामेश्वर साहू जी का प्रश्न कुछ इस प्रकार है आपकी स्क्रीन पर, किसी को लिखना है सवाल तो लिख ले, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 4 वर्षों में, कितने लिख ले जिसको लिखना है सवाल, डिक्टेट कर रहा हूँ मैं, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 4 वर्षों में 3.24 गुना, 4 वर्षों में 3.24 गुना
चार वर्षों में 3.24 गुना और 6 वर्षों में 4.41 गुना, 6 वर्षों में 4.41 गुना है ना, 4 वर्षों में 3.24 गुना और 6 वर्षों में 4.41 गुना, ये सवाल है भैया, है ना। कितने प्रतिशत, फिर से डिक्टेट कर रहा हूँ, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 4 वर्षों में 3.24 गुना, कोई राशि, उस राशि को 1 मान लिया, जब दुगना होता है 1 का 2 लिखते, तिगुना 1 का 3 लिखते, 4 गुना में 1 का 4 लिखते हैं, तो 3.24 गुना में 1 का 3.24 गुना लिखेंगे कि लिखेंगे, तो फिर से डिक्टेट कर रहा हूँ, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 4 वर्षों में 3.24 गुना तथा 6 वर्षों में 4.41 गुना हो जाती है। कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 4 वर्षों में 3.24 गुना और 6 वर्षों में 4.41 गुना, दुगने को 1 का 2, 3 गुने को 1 का 3, तो 3.24 गुना को 1 का 3.24 और 4.41 गुना को 1 का 4.41, क्लियर। दर निकालना भैया, ये सवाल मैंने करवाए थे, याद करो अपना वैभवशाली महान इतिहास। आपके साथ समस्या क्या होती है पता है, मैं पढ़ा सब देता हूँ लेकिन वो पढ़ी हुई चीज थोड़ा सा डाटा चेंज हो जाए तो वहाँ गड़बड़ होती है। तो इसके लिए मेरा निवेदन है आपसे कि जब भी ऐसा हो तो पहले सवाल को पूरी तरह विश्लेषण करें, टाइम दे उसके ऊपर, अपने दिमाग को यूज करो। चलो देखो इधर, अच्छा कितने साल हैं, 1, 2, 3, 4, इधर कितने साल, 6 में 4 गए 2 साल। अच्छा ये मूलधन और ये मिश्रधन है क्या, दर निकालना नहीं आता आपको, मूलधन मिश्रधन एक साइकिल के अंदर जाके बताओ। चलो इसको काटते हैं मूलधन मिश्रधन को, यदि इसको आप काटेंगे 3.24, 4.41, मूलधन मिश्र धन दो साइकिल हैं, 3.24, 4.41, पॉइंट से पॉइंट कैंसल, फिर काटेंगे किससे जाएगा, आई थिंक 9 से जाएगा, 3 से जाएगा, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि भैया ये 21 का स्क्वायर है और आई थिंक दिस इज 18 का स्क्वायर है, तो पर साइकिल 18, 21 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 16 2/3% उत्तर आएगा, है ना, 18 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, या फिर इसको काट लो, या तो ऐसे ही कर लो, ये क्या है, दशमलव दशमलव उड़ेगा तो 324 441 आएगा कि नहीं आएगा, समझ गए, 18 से 21 का गेम चल रहा है पर साइकिल, तो बस यहाँ से एक साइकिल 18, 21 से यहाँ से रेट आएगा कि नहीं आएगा, या फिर इसको और काट सकते हैं, आ गया 9 से जाएगा 324, कितनी बार जाएगा, 9 3 27 है ना, और 9 6 54, ये हाँ 9 4 36, 9 9 81, 36 से 49, मत लो ऐसा, पूरा काटने के बाद उठा लो, ये 36 और ये 49 आएगा भैया काटने पे, है ना, कैंसिल करने पे, ये आया कि नहीं आया, 36 49, ये 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, ख़त्म हो गई कहानी, ये 6 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर, बताओ दो साइकिल है तो एक साइकिल का रिलेशन 6 से 7 आएगा कि नहीं आएगा, तो पी से ए का एक साइकिल बताओ 6 से 7 आया कि नहीं आया, तो रेट यदि आपको निकालना है तो 6 मूलधन पर 1 ब्याज बना कि नहीं बना, तो 6 मूलधन पर ब्याज कितना बना, 1 × 100, तो 1/6 × 100, 16 2/3% रेट आएगा। हाँ तो रामेश्वर जी साहू, बहुत ही शानदार सवाल आपने पूछा है, बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, रेट क्या आएगा, 16 2/3%। अब रामेश्वर जी साहू, या कई लोगों के मन में सवाल होगा, सर इसका मूलधन निकाल सकते, तो मैं बता दूँ इसका मूलधन नहीं निकाल सकते, आंकड़ा अपर्याप्त, इसका प्रिंसिपल कतई नहीं निकाला जा सकता, आंकड़ा अपर्याप्त, डेटा इनसफिशियंट है। क्यों है डेटा इनसफिशियंट, मैं बताऊँ आपको, गुना बोला है 3.24 गुना, जब 2 गुना होता है, मैं बोलूँ कि इस आदमी की तुलना में इसके पास डबल पैसा है यार, डबल है इसके पास, मैंने क्या बोला, जैसे अमिताभ बच्चन और अंबानी, अमिताभ बच्चन की तुलना में अंबानी के पास दुगुना पैसा है यार, अमिताभ बच्चन की तुलना में अंबानी के पास दुगुना पैसा है, इसका मतलब ये थोड़े ना हुआ कि अमिताभ बच्चन के पास 1 रुपया है तो उसके पास 2 रुपया। अरे यार आप लोग समझते क्यों नहीं हो यार, अमिताभ बच्चन की तुलना में अंबानी,
ये नाम भी कैसा है, अंबानी नहीं, पैसे वाला आदमी, कैसी मानसिकता बन गई हमारी। उस आदमी के पास पैसा है तो अंबानी के नाम से ऐसी बड़ी मानसिकता बन गई नहीं, किसी छोटे मोटे मजदूर का नाम भी यदि पीछे अंबानी लग जाए तो चलो कोई बात नहीं, है ना। तो कहानी ऐसी है कि अमिताभ बच्चन से अंबानी के पास डबल पैसा है, डबल, सिर्फ इतना सा बोला उन्हें डबल। तो आप लिखने में क्या लिखोगे एक का दो, इसका मतलब ये थोड़े ना कि अंबानी के पास एक रुपया और सॉरी अमिताभ बच्चन के पास एक रुपया, अंबानी के पास दो रुपया, अरे 10 करोड़ 20 करोड़ भी हो सकता है, 100 करोड़ 200 करोड़ भी हो सकता है। तो जब दुगना तिगुना बोले तो ओरिजिनल रुपया ओरिजिनल डाटा वहाँ से नहीं निकाल सकते आप। जब कोई बोले इसकी तुलना में इसकी आयु दुगनी है, तो दुगनी है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि वो एक साल का तो दो साल का, वो 10 और 20 भी हो सकता है, 100 और 200 भी हो सकता है, वो 40 साल तो 80 साल भी हो सकता है, 50 साल तो 100 साल भी हो सकता है। जब दुगना तिगुना बोले तो उस आधार पे आप केवल दर निकाल सकते हैं, तुलनात्मक रूप से प्रतिशत निकाल सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल डाटा ओरिजिनल रुपया नहीं निकाल सकते। मैं बोलूँ इसकी तुलना में इसकी आयु दुगनी है तो इस आधार पर क्या दोनों की आयु आपको पता चल गई? कतई नहीं। नहीं समझे, मारूंगा, नहीं समझे, देख लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। इसकी तुलना में इसकी आयु दुगनी है, क्या मेरे इस स्टेटमेंट के आधार पे क्या आपको दोनों की आयु पता लगी? बिल्कुल नहीं। कंफ्यूजन में हो आप कि दुगना तो है लेकिन वो 10 साल 20 साल 100 साल 2 साल कुछ भी तो हो सकता है, नॉट श्योर, नहीं पता हमें। वैसे 3.24 गुना एक का, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मूलधन एक रुपया और ये 3.24 रुपया, नहीं, कंपेरिजन है, ये 100 भी हो सकता है और ये 324 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नहीं पता, तो इसमें मूलधन नहीं निकाल सकते, ध्यान रखें ना। मेरे को पता है आप लोगों को समझ में नहीं आया है, लेकिन वो समझ में ना आए उससे आपके एग्जाम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको रेट निकालना था, आ गया कि नहीं आ गया बताओ, लेकिन मेरे को विश्वास है आपको समझ में आया। प्राउड ऑफ यू, वेरी मच प्राउड ऑफ यू, यू ऑल पीपल, यू ऑल स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंटेलिजेंट विद्यार्थियों। हाँ, रामेश्वर जी साहू, आया होगा आपको समझ में। अब इसके बाद हैं थोड़े ऊपर इनके केशव प्रताप सिंह जी। हाँ, तो केशव प्रताप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पटल पर, इस गणित के ज्ञान के पटल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। केशव प्रताप सिंह जी का सवाल है, सर CI टाइप 2 अरे यार केशव प्रताप सिंह जी, आपने पूछा ऐसे है कि उसमें क्लियर ही नहीं करा किस सवाल की बात कर रहे हो आप। सर CI टाइप 2 यदि रेट नहीं दी हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? CI टाइप 2 यदि रेट नहीं दी हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो CI टाइप 2 में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो, रेट नहीं दी हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो केशव प्रताप सिंह जी, कहानी ऐसी है, आपसे निवेदन है कि फिर से आप एक बार थोड़ा सा मेंशन करें कि किस क्वेश्चन में क्या चाहते हैं आप, तो उससे मेरे को क्लियर होगा पूछना क्या चाह रहे हैं। अभी तक डाउट्स पूछ लिए सॉल्व करें इसका मतलब ये नहीं, आगे नहीं, आप आगे भी पूछे कोई दिक्कत नहीं है। हर 5-6-7 दिन में डाउट्स की क्लास अलग से मैं देता रहूंगा, जो भी डाउट्स से आपके यहाँ आए हैं ना, उन डाउट्स का सबका हल बना के एक एक क्लास में देता रहूंगा। समझ आ रही बात? तो चिंता ना करें डाउट्स की, आप कंटिन्यूअसली देते रहें, कोई दिक्कत नहीं। मान लो थोड़ा 10 दिन पढ़ने के बाद चक्रवर्ती ब्याज में कोई डाउट आ गया, अब सर ने तो बोला था उस दिन डाउट है CI का, उसके बाद नहीं, ऐसा नहीं है, बी फ्लेक्सिबिलिटी, अपने घर की बात है, आप डालते रहो, मैं करवाते रहूँगा, है ना, बस मैं बोलूँ वो करते रहना बस, है ना। अच्छा, वाह यार, कैसे कैसे योद्धा लोगे बताओ। अमित कुमार जी, चतुर्वेदी का अभी मैंने सॉल्यूशन दिया पीछे, और अमित कुमार जी चतुर्वेदी का सॉल्यूशन एक विद्यार्थी ने पहले दे दिया, बताओ, निर्मल जी चौहान। वाह यार, निर्मल जी चौहान, बहुत बढ़िया, शानदार। चलो भैया और थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। हाँ, अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 1 पर, जिन्होंने कल या परसों में अभी भी डाउट्स पूछे हैं। तो आ जाओ विद्यार्थियों, बड़े बड़े मेधावी जुनूनी, है ना। चलो, तो कहानी ऐसी है, हाँ भैया, जितेंद्र जी धाकड़, देखो आपने भेजा है, उसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 103, लेकिन जितेंद्र जी धाकड़ आप ही देखिए, ये देखो, ये मेरे सामने जितेंद्र जी धाकड़, आपने पूछा है ना, ये आपके वर्डिंग्स बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, ये देखिए दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी इसमें, ये क्वेश्चन नंबर 103, ये फोटो खींच के जितेंद्र जी धाकड़ आपने फोटो खींच के भेजा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 103 लिखा है, लेकिन आपने जो फोटो खींची है ना, उसके वर्ड्स संख्या दिखाई नहीं दे रही है, तो कृपया उसको क्लियरली करके फिर से भेजे जितेंद्र जी धाकड़, ठीक। चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं, इसके बाद भेजा था किसी ने, हाँ भैया, अमित कुमार जी चतुर्वेदी, बड़े स्मार्ट सवाल पूछा है, बहुत बढ़िया। अमित कुमार जी चतुर्वेदी पूछ रहे हैं, अमित जी फिर आ गए, अमित जी हमारे, हाँ भैया अमित जी आ जाओ, देखिए अमित जी चतुर्वेदी, क्या है कहानी,
सर मेरा प्रश्न क्या है, मैंने इस इमेज में लिखा है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। कन्फ्यूजन है सर, जो एग्जांपल समझाया और 9:47 मिनट पर और उसके बाद टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 1 समझाया उसमें, हाँ समझ गया मैं, ठीक है। अब ये पूछना चाह रहे हैं कि सर एक सवाल आपने करवाया था, जैसे दो सवाल में इनको कन्फ्यूज़न है, क्या कन्फ्यूज़न है? देखो विद्यार्थियों, मैं बताता हूँ इनका कन्फ्यूज़न, और जो दूसरे वो लोग भी देखें, बहुत अच्छा कन्फ्यूज़न डाउट पूछा है इन्होंने। वैसे वो चीज़ मैंने बहुत अच्छे से जोर दे दे के क्लियर की थी कि डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी आपने पूछा, कोई बात नहीं, अब थोड़ा तो सुनाऊंगा मैं आपको, है कि नहीं? अब सुन लो शिक्षक की क्या है, है कि नहीं? पहले तो मारते थे शिक्षक, अब मारते तो नहीं है कम से कम, चिंता मत करो, आपके बच्चों को भेजना, उनको मार मार के सिखाऊंगा मैं। 7200 रुपये है ना, हाँ। सवाल है कि कोई राशि आज उधार ली, वो 2 साल बाद 7200 हो जाएगी, है ना, 2 साल बाद 7200 हो जाएगी और 5 साल बाद 24300 हो जाएगी। ये सवाल ना मैंने खुद ने बनाकर करवाया था, शीट का नहीं है, क्लासेस को देखो पीछे जाके, वो वीडियो फॉर्म में जो अवेलेबल है, ये क्लास मैंने ये सवाल बना के करवाया था मैंने। तो 5 साल में से 2 साल गए, बताइए 3 साल बचे कि नहीं बचे, बोलो। 5 साल में से 2 साल गए, बताइए 3 साल बचे कि नहीं बचे, क्लियर है क्या इतनी बात? अब एक और सवाल था आगे कि 2 साल में कोई पैसा 4500 हो जाता है, 2 साल में, और 4 साल में वही पैसा 6750 रुपया हो जाता है, ऐसा ऐसा कैसा ऐसा। तो 4 साल में से 2 साल, ये 2 साल है, अब 4 साल में से 2 साल गए, तो बताओ 2 साल बचे कि नहीं बचे। इन दोनों सवाल में अमित जी का है कन्फ्यूज़न। तो अमित जी देखो, कहानी ऐसी है कि इन दोनों को काटोगे ना तो ये आएगा 8 और 27। अमित जी ईमानदारी से बताइए, इन दोनों के बीच कितने साइकिल हैं? 3 साइकिल। 3 साइकिल में हम उम्मीद करते हैं कि क्यूब आता है, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, बताओ है कि नहीं है? 3 साइकिल में क्या आएगा? क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, है ना। अब हमें पता चला कि पर साइकिल 2:3 चल रहा है, पर साइकिल 2:3 चल रहा है, समझे कि नहीं समझे अमित जी आप? 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, तो अब हमें पता चला कि पर साइकिल 2:3 चल रहा है ना। अब इधर यदि हम देखें तो अमित जी यहाँ देखो आप, इन दोनों को काटेंगे तो 2:3 आएगा सीधे, और आप जानते हैं इन दोनों के बीच 2 साइकिल है। 2 साइकिल में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? स्क्वायर मिलेगा। 2 साइकिल में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? स्क्वायर मिलेगा। ये किसका स्क्वायर है? √2 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? √3 का स्क्वायर है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? हम 3 साल में क्या बनाते हैं? क्यूब, 8 2 का क्यूब 27 3 का क्यूब। 2 साल में क्या बनाते हैं? स्क्वायर। 2 से 3 सीधा नहीं उठाना, 2 साल में आप क्या बनाते हो? स्क्वायर। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? 2 साल में क्या बनाते हो? स्क्वायर, है ना। तो ये किसका स्क्वायर? √2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर हम समझ गए, पर साइकिल √2 √3 चल रहा था क्या? बताओ पर साइकिल √2 √3 चल रहा था क्या? जैसे 2 का क्यूब 3 का क्यूब, तो पर साइकिल 2 से 3 2 से 3, यहां √2 का स्क्वायर 2 से 3 डायरेक्ट यहां मत छाप देना, 2 से 3 डायरेक्ट यहां नहीं लेना, ये 2 से 3 कितने साइकिल का रिलेशन है? 2 साइकिल, 2 और 3 के बीच 2 साइकिल है। 2 और 3 को आप सीधे यहाँ नहीं छाप सकते, 2 और 3 को पहले 1 साइकिल में बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ ले जाओगे आप। तो 3 साइकिल में जैसे हम सोचते हैं क्यूब है, क्यूब बनाना पड़ता है, वैसे 2 साइकिल में स्क्वायर बनाना होता है। तो स्क्वायर बनाएंगे तो 2 को √2 का स्क्वायर 3 को √3 का स्क्वायर। तो बताइए पर साइकिल यहाँ √2 √3 है कि नहीं है? तो अब अमित जी आप देखिए, आपको मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर साइकिल 2:3, यहाँ पर साइकिल √2:3 है। ये डिफरेंस समझ में आया आपको? 3 साल में क्यूब बनाना होता है, 2 साल में स्क्वायर बनाना होता है। बिना स्क्वायर बनाए सीधे 2 और 3 मत छाप देना। जैसे बिना क्यूब बनाए हम यहां पर, क्या हम यहां पर सीधे 8 और 27 छाप सकते हैं क्या? सीधे 8 और 27, 8 और 27 के बीच तो 3 साइकिल है ना, तो 8 और 27 को नहीं छाप सकते, पहले क्यूब बनाएंगे 3 साल में, 2 का क्यूब 3 का क्यूब। फिर हमें पता चला कि पर साइकिल 2 से 3 2 से 3 चल रहा होगा, तभी तो 3 साल का सीधा मूलधन मिश्रधन 2 का क्यूब 3 का क्यूब बना के नहीं बना। अरे पर साइकिल 2:3 2:3 2:3 ये मूलधन या मिश्रधन
तीन बार 2:3 आएगा तभी तो मूलधन मिश्रधन क्यूब क्यूब से बना होगा कि नहीं बना होगा। तो यदि क्यूब क्यूब से मूलधन मिश्रधन बना है तो पर साइकिल 2:3 आया होगा कि नहीं आया होगा। वैसे यहां पर आप देखो, जैसे तीन साइकिल में क्यूब बनाना होता है उसके बाद अंदर से एक साइकिल को उठाते हैं, वैसे दो साइकिल है 2 और 3 के बीच, जैसे यहां सीधे 8 और 27 को नहीं उठा सकते वैसे यहां सीधे 2 और 3 को नहीं उठा सकते। जैसे हमने यहां 8 और 27 का पहले क्यूब बनाया वैसे यहां 2 और 3 का पहले स्क्वायर बनाएंगे। यहां 8 और 27 का क्यूब क्यों बनाया, क्योंकि यहां तीन साइकिल थे इसलिए 8 और 27 का क्यूब बनाया, यहां दो साइकिल है इसलिए 2 और 3 के लिए स्क्वायर बनाएंगे। तो 2√2 का स्क्वायर है, 3√3 का स्क्वायर है। जैसे यहां 2 का क्यूब 3 का क्यूब तो क्यूब हटा के 2 और 3 लिया, वैसे यहां √2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर तो स्क्वायर हटा के √2 और √3 लिया एक साइकिल का। समझ आई बात? तो यहां पर साइकिल क्या गेम चल रहा है, √2 √3 चल रहा है, √2 √3 चल रहा है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? यहां पर साइकिल क्या चल रहा है, 2 से 3 2 से 3 चल रहा है, खत्म कहानी। अब सुनो मेरी बात, क्या है कहानी, इसको मूलधन और इसको मिश्रधन मानेंगे, वैसे इसको मूलधन इसको मिश्रधन मानेंगे। अब आप बताओ, जब 2 साल हो, 1 और 1 2 साल, 2 साल में मूलधन और मिश्रधन √2 से बनता कि नहीं बनता, स्क्वायर होता कि नहीं होता? यहां भी 2 साल है क्या? तो यहां भी 2 साल है तो यहां भी मूलधन मिश्रधन बताइए √2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ जरा। जैसे यहां 2 साल में मूलधन मिश्रधन 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है, 2 साल, अरे यार रेशियो जितनी बार आएगा रास्ते में उतनी पावर बनेगी कि नहीं बनेगी? यहाँ भी रेशियो जितनी बार आएगा रास्ते में उतनी पावर बनेगी कि नहीं बनेगी? जैसे यहाँ 2 और 3 था तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आया, यहाँ √2 √3 था तो √2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर आया। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल तो बताइए 2:3 ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब मेरी क्या गलती कि ये 2 साइकिल का रिलेशन 2 और 3 आ गया घूम फिर के, और मेरी क्या गलती कि यहाँ 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आया? यहाँ 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्यों आया पी से? क्योंकि यहां 2 और 3 था तो 2 और 3 का स्क्वायर लगा, यहां √2 और √3 का था तो यहां √2 और √3 का स्क्वायर लगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? यही सवाल था ना आपका, क्या सवाल था एक बार देख लेता हूं, यही सवाल था, आप समझ गए होंगे ठीक है। लेकिन एक और पहलू है जो मैं भी इसका बताना चाहता हूं, है ना सर, आपने इस प्रकार में 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर परंतु इसके आगे वाले सवाल में type 4 आपने केवल 2:3 रखकर, हाँ यही सवाल था अमित जी का, अमित जी ने यही पूछा था कि सर इस सवाल में आपने यहां 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर लिया और यहां केवल 2 और 3 लिया। तो अमित जी सुनिए, बेसिक न्यू पे जाइए, जिस न्यू के ऊपर बिल्डिंग खड़ी बिल्डिंग को मत देखो, मिट्टी खोदो और न्यू को देखो, अंदर की न्यू क्या है हमारी, कि भैया यहां 2 और 3 था तो 2 साल में 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है, यहां 2 और 3 था तो 2 और 3 का स्क्वायर आएगा पी और ए में 2 साल में, यहां √2 √3 था तो √2 और √3 का स्क्वायर आएगा। जैसे यहां 2 और 3 का स्क्वायर 4 और 9 बना, वैसे यहां √2 और √3 का स्क्वायर 2 और 3 बना, जैसे यहां 4 9 बना यहां 2 3 बना। समझे कि नहीं समझे बात को? तो अमित जी क्लियर हो गया होगा आपको कि यहां 2 और 3 था तो 2 और 3 के स्क्वायर आएंगे, यहां √2 √3 था √2 और √3 के स्क्वायर आएंगे। क्लियर इतनी सी बात, ये मैंने यूज की। अब मैंने इस सवाल में इतना नहीं करना, ये मैंने आप लोगों को बताया था, इस सवाल में आपको इतना नहीं करना है, ये चीज मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताई थी कि इतना कैसे नहीं करना इस सवाल में। अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब इंटरवल सेम हो तो उसमें हमें गहराई में उतरना ही नहीं है। मैंने जो समझा है, यदि किसी को पता है अभी भी गड़बड़ कहाँ हो रही होगी लोगों को, ये यहाँ उलझ रही होगी लोगों की गाड़ी, लोग यहाँ ना 2 और 3 को उठा के सीधे 2 और 3 ही छाप रहे होंगे, नहीं ना। अरे भैया जब मैंने आपको बताया कि 3 साइकिल में क्यूब बनाना है उसके बाद अंदर जाना है, 3 साइकिल में क्यूब बनाना है उसके बाद अंदर जाना है, और 2 साइकिल में स्क्वायर बनाना है उसके बाद अंदर कूदना है, तो क्यूब बनाने के बाद क्या आपने 8 और 27 सीधे उठा लिया क्या? नहीं ना। क्यूब बनाने के बाद 2 और 3 उठाया कि नहीं उठाया? वैसे यहां 2 और 3 सीधे नहीं उठा सकते आप, पहले स्क्वायर बनाएंगे उसके बाद उठाएंगे। तो ये 2√2 का स्क्वायर है, 3√3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटा के जैसे यहां क्यूब पावर हटा के 2 और 3 लिया, वैसे यहां पावर हटा के √2√3 लेंगे कि नहीं लेंगे? तो पहले ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए यहां पे आपको, कि 2 से 3 यहां भी 2 से 3 छापामारी करते हो आप, बहुत गलत बात है ये, क्लियर? यहां √2√3 आएगा, और ये चीज मैंने आपको पहली क्लास में इस प्रकार के से रेट निकालते समय समझाई थी, है ना, स्टार्टिंग समझाते आ रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है? या फिर मैंने समझाया था आप उस तरीके से ले लो इसको, किस तरीके से ले लो, क्यूब तक मत जाओ, डोंट गो अप टू द क्यूब्स, ओके, इजी, नाउ टेक इट इजी, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश, इधर देखो, डोंट गो टू द स्क्वायर्स, डायरेक्टली वी विल गेट इन टू ए सिंगल साइकिल, इधर देखो जरा, एक साइकिल के अंदर कूदना सिखाया था मैंने बहुत अच्छे से, एक साइकिल के अंदर कैसे जाते हैं, 8 और 27 को उठा लो, 8 और 27 को उठा लो, 8 और 27 को 3 साइकिल से एक साइकिल, इसीलिए मेथड सिखाई थी कि कंफ्यूजन ना हो, 8 और 27 को
तीन साइकिल से एक साइकिल, रेट निकालने के लिए हमेशा एक साइकिल में जाना है। 827 को तीन साइकिल से एक साइकिल में ले जाना है, तीन से एक। वैसे यहां दो और तीन को दो साइकिल से एक साइकिल में ले जाना है, दो और तीन को दो से एक। बोलो समझे कि नहीं समझे? दो और तीन को दो साइकिल से एक साइकिल में ले जाना, तो दो और एक, वैसे 827 को तीन से एक में तीन और एक, 8 की पावर 1/3 2 होता है और 27 की पावर 1/3 3 होता है। 8 की पावर 1/3 2 होता है और 27 की पावर 1/3 क्या होता है? 3। तो बताइए 2:3 बना कि नहीं बना? एक साइकिल का रेशियो, एक साइकिल का रेशियो निकालने में यदि आपको कन्फ्यूजन नहीं है तो इसमें ये भी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। समझ आई बात? 2:3 है। इधर बताओ ये हल होगा क्या? क्या 2 की पावर 1/2 हल होगा? नहीं, 2 की पावर 1/2 √2 होता है, तो ये √2 √3 हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ का एक साइकिल 2:3, यहाँ का एक साइकिल √2 √3 है कि नहीं? तो यहाँ भी 2:3 2:3 चलेगा पूरे में, यहाँ √2 √3 है, तो हर साइकिल में √2 √3 चलेगा। दो साल में मूलधन मिश्रधन स्क्वायर से बनता, तो 2 और 3 है तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यहाँ √2 और √3 है तो यहाँ 2 साल में √2 और √3 का स्क्वायर, तो √2 के स्क्वायर से रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर 2:3 आएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4:9 आएगा, तो यहाँ 2:3, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर लेंगे, यहाँ √2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर है, इसलिए वो 2:3 हो गया। समझ गए होंगे अब तो? यार इतनी समझ में आ ही गई होगी। एक और चीज़ मैंने समझाई थी यहाँ पर आप लोगों को, आपको याद नहीं हो रहा था शायद, मैं बता देता हूँ कहानी ऐसी है कि एक और चीज़ मैंने आप लोगों को समझाई थी यहाँ पर, रुको ज़रा। हाँ, एक और चीज़ क्या समझाई थी मैंने आप लोगों को कि जब सेम इंटर, नीचे वाले सवाल में आपको संघर्ष करना ही नहीं है और इसका रेट निकालना बताया था मैंने, देखिए आप क्लास जा करके, इसमें मैंने आपको ये बताया था कि ज़्यादा नहीं कंजस्टेड नहीं करना इसको, जब अंतराल सेम हो ना तो सवाल बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? यहाँ भी दो साइकिल है, यहाँ भी दो साइकिल है, ठीक से देखो जरा आप, यहाँ का रेशियो 2:3 आ रहा है दो साइकिल का, तो सेम रेशियो इधर का इधर कॉपी हो जाएगा ना। एक साइकिल में जाना करना कुछ नहीं करना आपको, एक साइकिल में आना जाना इधर उधर घूमना फिरना सब खत्म, कहीं नहीं जाना आपको। समझ आ रही बात? क्या करना है केवल कि दो साइकिल में यहाँ 2:3 है, जब सेम इंटरवल है यहाँ 2:3, तो यहाँ भी 2:3 आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। उस मेथड से जा रहे थे तो भी यही हो रहा था। आप इन दोनों को उठा के अंदर ले गए थे एक साइकिल में, जब इन दोनों को उठा के 2:1 में ले गए तो अंदर जाके √2 √3 हो गया था। अंदर ले गए √2 √3, अंदर ले गए एक साइकिल में √2 √3 √2 √3, जब वापस स्क्वायर करके बाहर लाओगे तो 2:3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? मूलधन से मिश्रधन, आप अंदर गए √2 √3, फिर √2 √3 को उठा के बाहर लाए स्क्वायर करके, तो 2:3 वापस हो गया कि नहीं हो गया? 2:3 से अंदर घुसे थे √2 √3 में, √2 √3 का स्क्वायर किया, वापस वहीं आ गए कि नहीं आ गए? 2:3 बताओ, अंदर घुसे, आपने क्या किया? 2:3 को एक साइकिल में ले गए आप, फिर एक साइकिल से वापस दो साइकिल में आए कि नहीं आए? मतलब दो साइकिल से एक साइकिल में गए आप, फिर एक साइकिल से वापस दो ही साइकिल पे आए ना? दो साइकिल से एक साइकिल पे जाओगे, एक साइकिल से वापस दो साइकिल पे आओगे, तो चीज़ तो वही बननी ना 2:3। आपने 2:3 को पहले √2 √3 बनाया, फिर एक साइकिल से दो साइकिल पे आने के लिए वापस स्क्वायर कर दिया, तो वापस बैक वहीं तो आ रहे हो आप। समझ आ रही बात? तो एक साइकिल से दो साइकिल में आओगे तो वही कर रहे हो वापस, तो दो साइकिल से एक साइकिल में घुसे, फिर एक साइकिल से वापस दो साइकिल में कूद गए आप। समझ आई बात मेरी क्या कह रहा हूँ? दो साइकिल से एक साइकिल में घुसे आप, वापस एक साइकिल से दो साइकिल में बाहर आ गए, क्लियर? तो आ तो वहीं गए ना आप, तो जो रेशियो यहाँ आएगा वही रेशियो यहाँ भी आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? तो 3 = 4500, तो 2 = 3000, 3 = 4500, 1 = 1500, 2 = 2500, 3000 आएगा कि नहीं आएगा? आई थिंक आज की क्लास का टाइम ओवर, एक और क्लास में बना देता हूँ डाउट के लिए, है ना, कल या परसों अलग से डाल दूंगा, ठीक है? इसमें किस किस के डाउट्स बच गए? अमित कुमार चतुर्वेदी के साथ कल हमारी क्लास है साधारण ब्याज, है ना, साधारण ब्याज की शीट आपकी अपलोड हो जाएगी, हो गई होगी, देख लेना, साधारण ब्याज की शीट के पीछे आंसर शीट है ना, ठीक है? हाँ, और भी सवाल पूछे लोगों ने अभी, कई सारे सवाल है अभी, एक और क्लास बनाऊंगा आधे पौन घंटे की, उसमें बाकी के डाउट्स होंगे, बाकी आप डाउट्स भेजते रहिए, मैं क्लासेस देता रहूँगा, बिल्कुल कोई बहाना नहीं है आपके पास न पढ़ने का, एक एक चीज़ क्लियर हो रही है आप लोगों की। कृपया मेहनत करें, पढ़े, सिलेक्शन लें और आगे बढ़ें और कुछ करके दिखाएं दुनिया में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।